सदियाँ बीती जानवर को इंसान बनने में लेकिन तुम्हें इंसान से जानवर बनने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा तंग आ चुकी थी कि मैं माँ के रोल्स कर रही हूँ वही यंग टू ओल्ड और वही घिसे पिटे रोल्स कर रही हूँ मुझे नहीं करने हैं माँ के रोल्स ऐसे करके मैं तीन चार फिल्में ना बोल रही बोल रही थी उसमें एक मुकुल आनंद की भी थी एक फिल्म नहीं मैं नहीं करने वाली हूँ और फिर मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि ऐसे मत कीजिए नहीं तो आउट ऑफ वर्क हो जाएंगे मैंने कहा आउट ऑफ वर्क होने तो होने होने दो देखते हैं क्या होता है फिर उन्होंने एक आ, मुकुल जी की फिल्म लाई यश जौहर ने प्रोड्यूस की थी वो तो उन्होंने कहा नहीं एक स्टोरी तो सुन लीजिए और आपको नहीं लगे तो मत कीजिए लेकिन स्टोरी सुन लीजिए मेरे हिसाब से अच्छी है वो तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आधे तक इंटरवल तक मुझे मुकुल जी ने स्टोरी सुनाई उससे पहले पूछा भी हाँ मेरी एक फिल्म आपने ना बोलती थी अब आप, आप तैयार हैं माँ का रोल करने के लिए मैंने कहा वो स्टोरी पे डिपेंड है मैं क्यों <laughs> <laughs> मेरी भी नाक के ऊपर एनी वे सो उन्होंने स्टोरी वो की और आ, मैंने कहा वो स्टोरी अच्छी लगी मुझे इंटरवल तक ही मैंने सुनी लेकिन बहुत अच्छी लगी, लगी, लगी उसके बाद या वेरी वेरी नाइस फिल्म तो फिर मैंने कहा मैंने कहा मुकुल जी मैं ये माँ का रोल करने के लिए तैयार हूँ पूछिए क्यों <laughs> मैंने कहा इसमें इस स्टोरी में मुझे ईच एंड एवरी कैरेक्टर एक राउंड लगते हैं ईच एंड एवरी कैरेक्टर आई कैन रिमेंबर नहीं तो यूजुअली बच्चन साहब की फिल्म में एक बच्चन साहब हीरोइन और विलन बस इसके अलावा कोई दिखता नहीं है नहीं। मैंने कहा इसमें ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज सो डिफाइंड इसलिए मुझे ये फिल्म अच्छी लगी और मैं करने के लिए तैयार हूँ और वो की मैंने फिल्म खैर उसमें जो अपने हाथ धोले वाला सीन वो मेरा मेरा तो बेस्ट सीन वो है उसमें उसमें जो बाद में जो है कि आ, सालों सदियाँ बीती जानवर को इंसान बनने में hmm. लेकिन तुम्हें इंसान से जानवर hmm. बनने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा वॉट अ लाइन इट इज़ तो वो आ, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक तो बच्चन साहब बस टॉप ऑफ इज करियर तो बहुत मज़ा आता है ही इज़ अ वेरी गुड वेरी गुड एक्टर